डीएनए की सेपरेशन के लिए एक मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियर एंजाइम से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ये हमारा डीएनए है। इसमें हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियर एंजाइम यूज किया और जब रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियर एंजाइम यूज किया तो ये अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देगा। डीएनए कट हो गया, लेकिन अब हम लोगों को इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट हम लोग कैसे करेंगे? सेपरेट करने का एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है डिफाइन करने की बात आए तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने का मेथड को बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखिए जेल जेल मींस होता है इसमें जेल का यूज किया जाता है। जेल का यूज किया जाता है, जेल में भी हम लोग एग्रोज जेल का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जेल है एग्रोज जेल। ओके, आप कहेंगे सर एग्रोज क्या है? तो एग्रोज इज अ नेचुरल पॉलीमर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वेटर्स, मतलब समुद्री घास से एग्रोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और उसी एग्रोज को जेल के फॉर्म में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मीडियम के रूप में यूज करेंगे या फिर मैट्रिक्स के रूप में यूज करेंगे। दूसरा टर्म देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डीएनए में फोर्स लगाया जाएगा ताकि डीएनए मूव कर सके और इसके लिए हम लोगों को एक चार्ज का हेल्प लेना होगा, चार्ज कहीं पे रखना पड़ेगा। तो चार्ज रखने के लिए क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक वेल लेंगे। यहाँ पे हमारा एनोड है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे एनोड एनोड। ओके, हम सभी को पता है कि डीएनए की नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है। जब डीएनए में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, लेकिन जो छोटे छोटे पीस होंगे डीएनए के स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर टुवर्ड्स द एनोड्स एंड लार्जर फ्रेगमेंट्स मूव स्लोअर टुवर्ड्स द एनोड्स। तो छोटे फ्रेगमेंट आ गया एनोड्स के पास और बड़े फ्रेगमेंट्स हो गया दूर। तो इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन को बाय फोर्सिंग देम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज सीविंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सीविंग इफेक्ट कहते हैं। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स को एग्रोज जेल के थ्रू पास किया जाता है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सीविंग इफेक्ट, इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, इसलिए सीविंग इफेक्ट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारा डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद सेपरेट तो हो गया है लेकिन हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को यूं ही देख नहीं पाएंगे, तो इसमें देखने के लिए हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं, एक कंपाउंड का यूज करते हैं जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। लेकिन इथिडियम ब्रोमाइड के साथ साथ इसमें यूवी रे का भी एक्सपोज किया जाता है, तो इसमें हम लोग डाल देंगे इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट में इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन डालेंगे तो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट का हम लोग ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड दिखने लगेगा। अब हम लोग इस डीएनए फ्रेगमेंट को
इस जेल से एग्रो जेल से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। और डीएनए फ्रेगमेंट निकल गया तो जो हमारे डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड जीन है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर से लाइगेज कर देंगे, वेक्टर से ज्वाइन कर देंगे, ताकि हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी बना सके। क्लोनिंग वेक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियर एंजाइम से डीएनए को कट कर दिया। ओके, डीएनए को छोटे छोटे पीस में कट कर दिया, फिर डीएनए को सेपरेट किया, सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को सेपरेट कैसे किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ओके, डीएनए इज सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोगों ने डीएनए को सेपरेट कर लिया। अब आता है जो हमारे डिजायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको तो हम लोगों ने यहां से आइसोलेट कर लिया, लेकिन उसको किसी वेक्टर से ज्वाइन करना होगा। तो वेक्टर से ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर चूज करना होगा। ओके, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, तो सबसे पहले तो वेक्टर, वेक्टर ऐसे चीज होते हैं जिसका यूज करके एक मटेरियल्स को हम लोग दूसरे जगह पहुंचाते हैं। जैसे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को वेक्टर ह्यूमन तक पहुंचाता है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे वेक्टर हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको होस्ट सेल में पहुंचाना है, तो होस्ट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाने के लिए हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे, वेक्टर। और वेक्टर का आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, मेकिंग ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो हम लोग को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्लोनिंग करना है। अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्लोनिंग करने के लिए हम लोग वेक्टर चूज करते हैं, तो वेक्टर का भी क्लोनिंग होगा, तो इसलिए क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे इसे। ओके, और क्लोनिंग वेक्टर क्या किसी भी को चूज कर लेंगे, नहीं, किसी भी वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में चूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड की, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है और ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, और बैक्टीरिया को अटैक करने के बाद बैक्टीरियल सेल में एंट्री करता है और अपना जीनोम का कॉपी करता है। ओके, उसी तरह प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोला जाता है, और ये प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है, मतलब बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकता है। यदि प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज को किसी होस्ट सेल में डाल दिया जाए तो ये दोनों आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है और अपना कॉपी बना सकता है। तो हम लोगों को भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी बनाना है, तो इसलिए यदि हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो इसके कॉपी बनने के साथ साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉपी बन जाएगा होस्ट सेल में। ओके, तो इसलिए पहली बात कि ये होस्ट सेल में इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है। इसके बाद दूसरी बात देखिए, यदि बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर देखा जाए तो बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर हाई कॉपी नंबर होता है पर सेल। ओके, एक सेल में बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर बहुत सारे कॉपी बना सकते हैं। और फिर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की बात किया जाए तो प्लाज्मिड 1 से 2 कॉपी नंबर पर सेल बना सकता है। अब कुछ प्लाज्मिड होते हैं जो कि 50 to 100 कॉपी नंबर पर सेल बना सकता है, और कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं
जो 100 से भी ज्यादा कॉपी नंबर पर सेल बना सकता है। ओके तो यहाँ पे देखिए लाइफ में बहुत सारे कॉपी बना सकते हैं, बैक्टीरियोफेज भी अपना बहुत सारे कॉपी फर्स्ट सेल के अंदर बना सकता है। तो यदि हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ लिंक कर पाते हैं तो हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज की कॉपी नंबर के बराबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके तो इस कॉलोनी वेक्टर को एक्चुअली किस तरह से ग्रो किया जाता है कि ये जो है आसानी से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिंक कर सके। ओके